दोस्तों हम अपनी बाइक की जैसी चाबी ऑन करते हैं और जो अपनी बैक लाइट होती है वो इस तरह से जलने लगती है। चाबी ऑन करने के बाद ही मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, चाबी ऑफ करो इसकी, चाबी ऑन करो इसकी, इस तरह से। दोस्तों अगर आपकी बाइक में प्रॉब्लम है या नहीं है फिर भी आप उसको एक बार चेक कर ले, हो सकता है जैसे ही अपनी बाइक की हम चाबी ऑन करते हैं और जो हमारी बैक लाइट होती है कुछ इस तरह से जलने लगती है बिना ही बाइक स्टार्ट करे। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से क्या होता है, एक तो अपनी जो बैटरी होती है वो ख़राब होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो इस तरह से अपनी बैक लाइट चलती है ये डीसी करंट से चलती है, क्योंकि जैसे ही हम इग्निशन ऑन करते हैं जो हमारी वायरिंग होती है उसमें सारा ये डीसी करंट चलने लगता है। ये जो बल्ब होता है दोस्तों एलिमेंट बल्ब होता है, ये बहुत ज़्यादा करंट लेता है। अगर आपकी बाइक में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है तो ये ज़रूर चेक कर ले आप, और इस प्रॉब्लम को आप अपने घर पर ही किस तरह से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, तो आप लोग कैसे हो सब लोग, मैं दुआ करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और आपको ये कहाँ से करनी है ये सब जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों मेरे पास है हीरो वालों की स्प्लेंडर प्लस i3X F5 वेरिएंट बाइक, आप ये देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आती है बैक लाइट की, ये दरअसल कहाँ से आती है, ये जो अपना ब्रेक स्विच होता है कुछ इस तरह से ये ब्रेक स्विच होता है लगा हुआ, इसमें दोस्तों एक स्प्रिंग भी होता है, ये आप देख पा रहे होंगे स्प्रिंग है ये। ये क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है यहाँ से ऊपर उठ जाता है, तो आपको ये किस तरह से सॉल्व करना है। तो दोस्तों जो अपना ये ब्रेक स्विच है थोड़ा इसको इस तरह से घुमाना है लेफ्ट हैंड की तरह, और आपने बैक लाइट को देखना है, जब तक अपना बैक लाइट बुझ नहीं जाए उसको आपको घुमाते रहना है। तो ये थोड़ा हमने घुमा लिया है, जो बैक लाइट है उसको चेक कर लेते हैं। अपना जो बैक लाइट है दोस्तों ये बंद हो गया है, और इग्निशन देख लेते हैं हम, इग्निशन ऑन है, और जैसे ही हम अपनी बाइक में ब्रेक लगाएंगे और अपना जो स्टॉप लाइट है बैक लाइट ये जलने लगेगा, और जैसे ही अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे हम उस टाइम भी ये दोस्तों जलने लगेगा, आप ये देख पा रहे होंगे। और जैसे ही हम ब्रेक मारेंगे इसकी जो रोशनी होगी दोस्तों डबल हो जाएगी, ये इस तरह से ब्रेक मारने से ही होता है दोस्तों, जो पीछे हमारे बाइक के पीछे जो वाहन चलता है उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई बंदा ब्रेक ले रहा है। वो किस तरह से ब्रेक लगाना है, एक बार ये जैसे ही हम ब्रेक मारते हैं अपनी जो बैक लाइट की रोशनी होती है वो डबल हो जाती है, तो इस तरह से जो हमारे पीछे राइडर होता है या बाइक जो चलाता है उसको पता चलता है अगला वाला बंदा ब्रेक लेता है, ब्रेक ले रहा है, और वो सतर्क हो जाता है, अपनी बाइक कंट्रोल करने लगता है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना है, और दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और आप मेरे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आएँ तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।